तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट, भाई साहब ये फिल्म थिएटर में डराने का काम लगातार कर रही है और लोग जितना डर रहे हैं ये उतना ही ज़्यादा बिजनेस करते आगे बढ़ रही है। यहाँ दोस्तों 1920 इस मूवी सीरीज ने जबरदस्त छाप छोड़ी है जनता में, क्योंकि 2008 में जब इसका फर्स्ट पार्ट आया था लोग दीवाने हो गए थे, क्योंकि इंडियन हॉरर मूवी में डराने का जो लेवल होता है वो जानलेवा था इस मूवी में। सेम काम हॉरर ऑफ द हार्ट फिल्म भी कर रही है। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पहले दिन कितना कमाया, मूवी को कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, जनता को ये 1920 का पांचवा पार्ट पसंद आ रहा है या नहीं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी 1920 सिक्वल के डाई हार्ट फैन हैं और हॉरर मूवी का क्रेज रखते हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कृष्णा भट्ट के डायरेक्शन में लगभग 10 करोड़ के टोटल बजट में बनने वाली फिल्म 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट थिएटर में एवरेज ग्रोथ के साथ लगातार एक अच्छी कमाई अपने खाते में रखते नजर आ रही है। यह दोस्तों आज ये फिल्म अपना तीसरा दिन कंप्लीट करने में जा रही है और पहले दो दिन में ही अपना बजट रिकवर करके पूरी दुनिया से एक मोटी कमाई अपने खाते में रखी है और आज अपनी डे 3 तक हिट मूवी का टैग लेकर सुपर हिट होने की रेस में लगातार आगे बढ़ रही है। जहाँ दोस्तों मूवी को पब्लिक की तरफ से एवरेज रिव्यू और रिएक्शन मिल रहे हैं, किसी को मूवी बहुत पसंद आई लेकिन कुछ के दिलों में जगह बनाने में नाकाम रही फिल्म। वो इसलिए भी क्योंकि हॉरर पार्ट ऑफ दिस मूवी इज सेम जो पहले यूज होता था वो आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक बेड के नीचे से टांगे पकड़ना, गंदा चेहरा दिखाना, एकदम BGM का साउंड इफेक्ट करके डर का माहौल क्रिएट करना। यह दोस्तों ये सब हम इंडिया की हर फिल्म में देख ही लेते हैं, कुछ नया तो कुछ नहीं था, बस चेहरा बदल दिए हैं, बाकी डराने का माहौल वैसा ही क्रिएट करा है जैसे पहले की फिल्मों में हम पहले ही देख चुके हैं। मूवी देखते टाइम आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ये फिल्म कहीं ना कहीं देख रखी है, क्योंकि फुल कॉपी कर लिया है लाइक हॉलीवुड की एविल डेड सीरीज से और बॉलीवुड में अपनी फर्स्ट सिक्वल 1920 पार्ट से, हॉन्टेड से, राज फिल्म जैसी दिग्गज सीरीज से। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस से बोलूं तो नया कुछ भी नहीं लगा, बाकी डरावने इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करे हैं मूवी में जो एक बार के लिए आपकी तस्वीर फाड़ सकते हैं। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों हिंदी सहित इस बार इस फिल्म को तमिल और तेलुगु में भी रिलीज कराया गया है और हिंदी से अपने पहले दिन एक एवरेज ओपनिंग लेते हुए फिल्म ने लगभग 1,48,00,000 तक का कलेक्शन अपने खाते में रखा था और तमिल तेलुगु से मिलाकर अपने पहले दिन में लगभग 2,34,00,000 का बिग होल्ड करते नजर आई थी फिल्म। ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यू मिलते हुए सेकंड डे में भी कमाई का लेवल बढ़ते हुए नजर आया और लगभग 20% की ग्रोथ के साथ सेकंड डे में हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगभग 1,85,00,000 का कलेक्शन अपने खाते में रखा था। इसी के साथ तमिल तेलुगु से जबरदस्त स्ट्रांग होल्ड करते हुए सेकंड डे में लगभग 2,70,00,000 के आसपास कलेक्शन अपने खाते में रखते हुए कामयाब हुई थी मूवी। बता दूं तो पहले दो दिन में हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 3,32,00,000 के आसपास हो चुका था और इसी के साथ ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तमिल तेलुगु को मिलाकर लगभग 5.5 करोड़ के आसपास रहा कल तक। जहां दोस्तों ऑडियंस मूवी को काफी इंजॉय कर रही है। बात करें आ जानी डे 3 में कैसी ग्रोथ है फिल्म की, दोस्तों हिंदी में आंकड़ा काफी अच्छा बढ़ता नजर आया है और लगभग हिंदी कलेक्शन में एंड ऑफ द डे तक लगभग 2,30,00,000 रुपए तक के आसपास अपने खाते में रखते हुए नजर आएगी फिल्म। इसी के साथ ऑल ओवर इंडिया से लगभग 3,30,00,000 के आसपास कमाई करते नजर आ रही है फिल्म। वहीं डे 3 तक ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 8 करोड़ के ऊपर सेट कर देगी मूवी और पूरी दुनिया से लगभग 12 करोड़ के आसपास मोटी कमाई अपने खाते में रखते हुए नजर आ रही है फिल्म और अपने तीसरे दिन ही बजट रिकवरी करते हुए फिल्म हिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर रही है। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, अब आप लोग बताएंगे अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और राज सीरीज और 1920 की सीरीज दोनों में से सबसे ज़्यादा डरावने वाला कौन सा सिक्वल लगा आप लोगों को, फटाफट अपनी राय और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।